तो ये देखिए हमारी आलू और बीन्स की सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन एट होम आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीन्स और आलू की सूखी सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने फ्रेंड्स एक फ्राई पैन लिया है और उसमें तेल डाला। तेल हमने 3 से 4 बड़ी चम्मच डाला है और यहाँ पे हम तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच राई डालेंगे, सरसों, काला सरसों, और 2 से 3 हरी मिर्च को हमें 2 भागों में चीरा लगाया था, तो इसे थोड़ा तड़कने देंगे। तो ये तड़क चुका है, तो अब हम इसमें बीन्स को डालेंगे। बीन्स हमने फ्रेंड्स 250 ग्राम के आसपास लिया है। तो बीन्स को हमने काट के लगभग 1.5 इंच के शेप के लंबाई के टुकड़ों में काटा है और इसे धो के अच्छे से इसे डाला है। तो इसे डालने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो पे। तो ये देखिए तो ढक के पकाएंगे तो ये हमारा जल्दी पक जाएगा। ये बीन्स खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, ये शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक बार ढकने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने फ्रेंड्स 2 मीडियम साइज का लिया था, जिसको कि हमने 1 इंच स्क्वायर के शेप में काटा है। आपको आलू मोटा पतला ज़्यादा पसंद हो तो उस हिसाब से आप काट सकते हैं। अब इसको हम ढकेंगे, तो ढकने के बाद फिर से हम इसे इसका ढक्कन हटाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। तो ये देखिए हमारा आलू भी सॉफ्ट हो रहा है, आलू के किनारे बिल्कुल ब्राउन हो रहा है। तो फिर से हम इसे ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हमारा बीन्स और आलू। तो अब हम इस स्टेज पे नमक ऐड करेंगे। इसमें नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे इसमें, और नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपको आपके पास है तो डालें, नहीं तो ये नहीं डालें। और इन मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाले मिलाने के बाद हम इसमें अब टमाटर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। टमाटर हमने 2 मीडियम साइज का लिया है, ध्यान रखेंगे 2 मीडियम साइज का आलू भी हमने लिया था और टमाटर भी 2 मीडियम साइज का लिया है, और 250 ग्राम के लगभग में बीन्स लिया है। तो टमाटर हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे ताकि मसाले हम डालने के बाद कोई भी रेसिपी में पानी थोड़ी सी डालते हैं ना, तो यहाँ पे हमने टमाटर ऐड किया है ताकि इसमें जो इसका जो पानी है थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर हो जाए अच्छे से मसाले में, ताकि इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी मसाला हमारा भुन चुका है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी 1/2 इंच के आसपास अदरक को कूट के हमने यहाँ पे डाला है, और उसके बाद से फिर से हम कवर करके इसे पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो पे। तो ये देखिए हमारा ये लगभग हमारा फाइनली पक चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिल चुका है, मसाला भी इसका बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, हमने इसमें ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी आलू और बीन्स की सब्जी बनके तैयार है, सूखी सब्जी। तो ये देखिए हमारा जो सरसों है उसका ये टेक्सचर इसमें देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है आलू बीन्स की सूखी सब्जी।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।